बिलाल भाई, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए बहुत सी बातें कहने को है, लेकिन सिर्फ दो जुमलों में उनकी पर्सनालिटी को बयान करूंगी। बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन माँ, और सबसे बढ़कर के बेहतरीन एक माँ होती है जो अपने बच्चों की तरबियत करती है। एक माँ वो होती है जो दूसरों के भी बच्चों की तरबियत कर रही होती है। मैंने उनके साथ काम किया, मुझे ये शर्फ भी उन्होंने बख्शा कि मैं उनको डायरेक्ट कर सकूं। उन्होंने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया, और उस दौरान उस अरसे में मैंने उनसे उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। आप लोग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारे उनके ड्रामे चल रहे हैं। आप लोगों की फेवरेट हर दिल अज़ीज़, हमारी बहुत फेवरेट, आप सबकी भरपूर तालियों में उनको बुलाऊंगी और चाहूंगी उनको उसी तरह वेलकम कीजिएगा जिस शिद्दत से हम उन्हें चाहते हैं, हम उन्हें देखते हैं टेलीविज़न पे और उन्हें पसंद करते हैं। सबा फैसल, तालियों में लगता है कोई दम नहीं है आज, सबके रोज़े बड़े हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Hello. सबा प्लीज़, आपको वैसे तो किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको पता है ये कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें इखलाकन ही बोलनी होती हैं, वरना से मैं इतना ही कह देती कि पीटीवी का वो चेहरा जिसने कभी काफशीन ठीक किए लोगों के और न्यूज़ कास्टर्स में वो खूबसूरत चेहरा जो शुरू में हमने कभी देखा, और उसके बाद आपने एक वक्फ़ा लिया और फिर आप वापस आई स्क्रीन की तरफ, तो मेरा ख्याल है तब भी लोग समझ आते, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि ये बात कहनी ज़रूरी है कि माँ बनने की सादत हासिल ज़रूर हो जाती है, और हर लड़की को अल्लाह करे ये सादत हासिल हो। और आज लेकिन माँ का जिक्र करना है हमें, आज एक माँ का जिक्र करना है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो कि इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि अपने माँ बाप को नहीं जानता, वो खो गया है कहीं। आज एक फैमिली है जिसने उसको ढूंढा है, वो यहाँ लेकर आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग अभी हमारे चैनल के साथ नहीं भी हैं, जो देख रहे हैं, वो उन तक पहुँचाएँ बात। तमाम पाकिस्तान इस बच्चे को आज देखे, और जिसका ये बच्चा है हमारे पास ये अमानत होगी इंशाल्लाह ताला। पैगाम तो अमानतन आप तक पहुंचाएंगे, बच्चा जिसकी अमानत है, उन माँ बाप से भी दरख्वास्त है कि वो राबता करें किसी भी तरह से, और आज इस बच्चे को इस यतीमी से ज़रूर निकालिएगा। फिलहाल भाई, मैं आपसे ब्रेक में एक बात कर रही थी, सब आपा ने अपनी ज़िंदगी के एक बड़ा खूबसूरत राज मुझसे शेयर किया था, जो इनकी वालदा ने इनसे शादी के वक्त कहा था। मैं चाहूँगी आप वो बताएँ कि शौहर को आप किस तरह लेना चाहिए एक औरत को। सबसे पहले तो सादिया, आपका और आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे इन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्टिंग मैंने बहुत कुछ सादिया की तरफ देख कर सीखा, और सादिया को जिस तरह से मैंने घर के माहौल में रचे बसे देखा, वो आप सोच नहीं सकते कि स्क्रीन पर नज़र आने वाली सादिया घरेलू ज़िंदगी में कितनी परफेक्ट है माशाल्लाह। ये ऐसा नहीं है कि वो मेरी तारीफ़ कर रही हैं, मैं उनकी कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। और अब आपने मम्मी की बात की, शादी जब मेरी हुई, देखें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कल हम एक प्ले कर रहे थे, कॉमेडी प्ले था, और उसमें वो मियाँ बीवी की नोक झोंक चल रही थी, तो एक उसका एक प्रोमो बनाना था, तो प्रोमो में भी यही था कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा देखें हम ये काम नहीं कर सकते, एक जो हमारा मुआशरा हमें बताता है शौहर की रिस्पेक्ट और शौहर को क्या मकाम दिया है हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे मज़हब ने, मैं वो ज़रूर मलहूज़े खातिर रखूँगी, भले ये कॉमेडी है लेकिन मैं उसकी एक रिस्पेक्ट वहाँ भी स्क्रिप्ट में ना भी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट में नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं इसको हम मजाक मैं मजाक में भी शौहर की तजलील नहीं कर सकती। और मैं ये सब बच्चियों को बताऊंगी, मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ, और माशाल्लाह सादिया ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू की, इन्होंने भी उतनी ही खूबसूरती से शुरू की। तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहा करती थी कि बेटा अपने शौहर से एक कदम पीछे और एक कदम नीचे रहो, ताकि आसरे के लिए जब तुम सर उठाकर देखो तो तुम्हें शौहर का चेहरा नज़र आए, ना कि खुला आसमान। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यार क्या बात है, क्या जुमला तख्लीक किया, वाह वाह वाह। तो ये वाह वाह वाह, ये एक्चुअली
हमारी माओं की तरबियत है कि आज हम दीन, दुनिया, घर और शोबिज़ को लेकर चल रहे हैं। और ये बात सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए भी है। ये अमल करने के लिए ज्यादा है। ये बात इन्होंने जब मेरी शादी निकाह के दिन करीब तो इन्होंने फोन कहती तुम्हें वो बात याद है ना, मैंने कहा मुझे वो बात याद नहीं, मैंने अपने गिरह से बांध ली। और सादिया की शादी तो जिन हालात में हुई, इनकी मदर की डेथ हो गई थी, वो बहुत साथ करना तो बहुत कुछ था क्योंकि ये हर किसी की शादी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, वो हो नहीं सका खाला जान की वजह से। लेकिन जब एक चैनल ने सेलिब्रेट की इनकी शादी तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ा एजाज़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर इधर प्ले करने के लिए भी किसी मदर को आप बुलाएंगे ना तो मैं सिर्फ सबापा को चाहूँगी, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर। मेरे ख्याल आप की एक कुर्बत भी होती है, फिर इनके साथ मैंने काम किया और आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं बिलाल भाई, फिर आप उन लोगों के साथ ज़्यादा इजी हो के अपनी, मैं इनसे वो बातें अब शेयर कर लेती हूँ। साला हम लोगों को मुलाकात नहीं होती लेकिन जब मिलते लगता अभी तो बिछड़े थे, तो ये जो ये क्रेडिट सादिया पता है आपको जाता है। मैं कई कई मौक़ों पर नहीं मिल सकी सादिया से, हमारी मजबूरियाँ, हम लोग की कमिटमेंट्स ऐसी, मैं नहीं उन अहम मौक़ों पर मिल सकी, लेकिन जब भी सादिया मिली एक निगाह इन्होंने शिकवे की डाली, उसके बाद सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत। तो ये बहुत मैंने सीखा है सादिया से। अच्छा, इतनी तारीफ़ ही हो रही है कि मेरे पास कुछ जुमला ही नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात देखिए, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को शेयर कर रहे हैं, अदरवाइज हम ड्रामा कर रहे हैं। अब जैसे मैंने खुर्शीद साहब की आवाज़ सुनी, कासमी साहब की आवाज़ आज भी सुनती हूँ तो मैं वो उस पुराने दौर में चली जाती हूँ, PTV के दौर में यही आवाज़ें गूंजती थी। आज इतने माशाल्लाह नात खां हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, लेकिन जो इनकी आवाज़ों में फील है ना वो कहीं सुनाई नहीं दी। सच कह रहे हैं। तो एक रिलेशन है हम लोगों का। एक अच्छी वाइफ होने की वो आपने बात की है तो मैंने एक जगह पढ़ा, जो औरत अपने शौहर को गुलाम समझती है वो गुलाम की बीवी कहलाती है, वरना तो मलका बन जाती है। औरत अपने शौहर को बादशाह समझती है वो बादशाह की बीवी, वो मलका बन जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे ये उन शौहरों के लिए नहीं है जो इस काबिल नहीं है। देखें ये गिव एंड टेक है, ये गिव एंड टेक है। आप तो अपना बेस्ट देते हैं, आगे से आपको रिस्पांस मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यापा, जो आपने जुमला एहतियातन कह दिया ना आगे, ये बड़ा मुश्किल जुमला है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया तो आपने खुतबे में एक जुमला कहा था कि फातिमा अली के हवाले कर रहे हैं, मैं तुम्हें अली के हवाले, अली के नफ्स की तस्कीन की खातिर कर रहा हूँ। साहब ने पूछा हज़रत अब्बास से, हज़रत के ये नफ्स नफ्स की तस्कीन क्या चीज़ है? आपने कहा तस्कीन नफ्स रसूल की मुराद ये है कि जब शौहर जिस तरह एक आदमी मस्जिद से निकलता है और अगली नमाज तक किसका ध्यान मस्जिद में रहता है, शौहर घर से निकले और दिल घर छोड़ कर जाए, क्या बात, ये है तस्कीन नफ्स। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहता हूँ ये सारा रिश्ता जो निकाह है ना, ये इसी तस्कीन की बुनियाद है कि आप घर को अपने दिल और दिमाग से कभी भी रुखसत ना कर सको। बहुत खूब, ये रिश्ते जब बन जाएं तो फिर मेरे ख्याल में एहतराम और इज्जत किसी को भी मांगना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता।